हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स टू के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ये एग्ज़ाम 19 फरवरी 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए वाले को पढ़ना है और फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी वाले को पढ़ना है चलिए इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं उससे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसमें ग्रुप ए में बीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको करना है ग्रुप बी में पांच सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है जो कि चार नंबर का है और ग्रुप सी में पांच सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है ग्रुप सी में जो कि छः मार्क्स का है तो पांच ग्रुप सी से क्वेश्चन है तो तीस नंबर हो गया पांच क्वेश्चन ग्रुप बी से है जो कि बीस नंबर हो गया और बीस नंबर ऑब्जेक्टिव तो तीस बीस पचास बीस सत्तर टोटल सत्तर नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको अट्ठाईस नंबर लाना अनिवार्य है चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है इन ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा वन का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है द वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ ए वेव ओनली द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रॉप ऑफ ए वेव ओनली बोथ ए एंड बी

एम्पलीच्यूड क्या हो जाएगा दस सेंटीमीटर हो जाएगा सी हो जाएगा दस सेंटीमीटर फोर का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वेंटी किलो हर्ज और अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है बीस किलो हर्ज से ज़्यादा होता है ऑप्शन फाइव का बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्स का क्या हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर सेवन है इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो क्या होता है इमेजनरी होता है सेवन का बी हो जाएगा सेवन का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है मिरेग इज पॉसिबल मृग मरीचिका का जो है कब होता है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब आता होता है क्वेश्चन नंबर नाइन है इफ देर आर टू सिमिलर चार्ज बॉडी देन जब दो सिमिलर चार्ज बॉडी होगा तो तब क्या होगा ओनली रिपल्शन टेक्स प्लेस केवल रिपल्सन होगा नाइन का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटीज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है फेराड होता है ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेवन का बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फॉलो करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इन रेसिस्टेंस कलर कोडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक इज ब्लैक का जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है जीरो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है एफ ई थ्री ओ फोर इज एफ ई थ्री ओ फोर क्या है ये फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक है ऑप्शन सी हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है गैल्वेनोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ करेंट एंड डायरेक्शन बोथ करेंट और डायरेक्शन दोनों को मेजर करता है फोर्टीन का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इन पी एन जंक्शन डायोड पी इज प्लस फाइव वोल्ट एंड एन इज प्लस टू वोल्ट देन बैसिंग इज किस तरह का बैसिंग होगा अपोजिट पी जो है फाइव वोल्ट है और एन जो है टू वोल्ट है तो फॉरवर्ड बैसिंग होगा फॉरवर्ड बैसिंग सिक्सटीन का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है सोलर सेल क्या करता है कन्वर्ट करता है लाइट इनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल इनर्जी सोल सत्रह का बी हो जाएगा सोलर सेल क्या करता है लाइट इनर्जी को इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्वर्ट करता है सत्रह का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अठारह है इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल पासेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट लाइट के रूप में सिग्नल पास करता है फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिकल फाइबर में सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है नैनो साइज मींस नैनो मतलब टेन टू पावर नाइन मीटर टेन टू पावर नाइन हो जाएगा टेन टू दावर माइनस नाइन नैनो मतलब टेन टू दावर माइनस नाइन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है लेजर इज हाईली कोलिमेटेड ओनली हाईली इंटेंस ओनली मोनोक्रोमेटिक ओनली ऑल हो जाएगा ए बी सी तीन हो जाएगा ऑप्शन ट्वेंटी का डी हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ग्रुप बी का जो कि चार नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर टू है राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव व्हाट टाइप ऑफ वेव ट्रेवल इन एयर मीडियम फॉर साउंड वी हियर इसी का और क्वेश्चन है डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इसी का और क्वेश्चन है हाउ डज इमेज इज फॉर्म इन प्लेन मिरर स्केच फ्री हैंड ओनली क्वेश्चन नंबर फोर है राइट कुल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी का और क्वेश्चन है इफ देयर आर फोर रेसिस्टेंसेस टू ओम फोर ओम सिक्स ओम एंड थ्री ओम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज सीरीज में क्या होगा आर टू हो जाएगा टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस थ्री तो 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 कितना दस तीन तेरह दो पंद्रह ओम आ जाएगा सीरीज में पैरेलल में कितना वन बाई आर इज टू वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है वाट डू यू मीन वाट डू यू मीन वाट डू यू नो अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप क्या जानते हैं इज इट स्केलर और वेक्टर ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है क्वेश्चन नंबर का और है वाट डू यू नो अबाउट मैग्नेटिक इंडक्शन राइट मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिस्क्राइब पंपिंग मेथड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेजर इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिस्टर राइट

ट आर देयर कंडीशन एंड हाउ डज इट यूज इन ऑप्टिकल फाइबर इसी का और क्वेश्चन है वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वू यू मीन बाईमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर से क्या समझते हैं इसी का और क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फराडे राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्वेश्चन नंबर टेन है राइट किस लॉ एंड एक्सप्लेन इट फॉर मे ऑफ सर्किट इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोर्स द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरल कंडक्टर्स कैरिंग चार्जेज क्वेश्चन नंबर इलेवन है वट डू यू मीन बाई इनर्जी बैंड इन सॉलिड राइट अबाउट फॉर्मी लेवल इसी का और क्वेश्चन है वाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर बीम राइट इट राइट इट्स इंजीनियरिंग एंड मेडिकल अप्लीकेशन तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है जिसका एग्जाम उन्नीस फरवरी दो हज़ार बाईस को हुआ है ये अप्लाइड फिजिक्स टू का क्वेश्चन पेपर है आप देख सकते हैं ये एग्जाम उन्नीस फरवरी दो हज़ार बीस को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है ये फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी वाले को पढ़ना है और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए वाले को पढ़ना है एसबीटी बिहार के जो स्टूडेंट हैं देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच